दोस्तों, मंदिर की पूजा करने वाले घर में पैदा हुई एक लड़की इंडिया की नंबर वन शेफ बनने का सपना देखती है। लेकिन क्या होगा जब उसे नंबर वन शेफ बनने के लिए नॉनवेज पकाना भी होगा और उसे खाकर टेस्ट भी करना होगा, तो उसकी ये जर्नी आसान तो नहीं रहने वाली है। तो कैसे वो इन सारी मुसीबतों को पार करेगी और नंबर वन शेफ बनेगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यू मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शो देखो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पूर्णई नाम के एक लेडी शेफ से। हम देखते हैं वो एक बड़े से 7-स्टार होटल के किचन में केक बना रही थी। वो सब कुछ रेडी करती है और माइक्रोवेव में केक बनने के लिए रख देती है। तभी कुछ सेकेंड हो जाते हैं और माइक्रोवेव से आवाजें आना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि माइक्रोवेव में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि पूर्णई को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगती है और होटल का पूरा स्टाफ पूर्णई को हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों, हम आज पूर्णई को भले ही 7-स्टार होटल में काम करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। एक तरफ यहाँ पर हॉस्पिटल में पूर्णई का इलाज शुरू हो जाता है, तो दूसरी तरफ हमें फ्लैशबैक में पूर्णई की पूरी कहानी दिखाई जाती है। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार में पूर्णई का जन्म होता है। अब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और 13 साल की उम्र में अपने स्कूल में होती है। अब स्कूल में पूर्णई की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है कीर्ति। वो पूर्णई को अपने टिफिन का हलवा चेक करवाती है और पूर्णई उसे कहती है कि इसमें ऑयल और घी बहुत ज्यादा डाला गया है, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा खराब हो गया है। लेकिन कीर्ति को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हलवा उसके पापा ने बनाया था। उसके बाद पूर्णई श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल जाती है। पूर्णई के पिता रंगराजन इसी मंदिर के किचन में काम करते हैं। वो भक्तों के लिए भगवान का प्रसाद बनाते हैं और इस काम को वो भगवान की सेवा मानकर बहुत ही सालों से करते आ रहे हैं। उसके बाद पूर्णई अपने पापा के साथ मंदिर से घर पर वापस आ जाती है और घर पर उसकी माँ और दादी भी थी। लेकिन पूर्णई उन सबको किचन से बाहर निकालती है और खुद अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाने लगती है। जब घर वाले उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, तो वो खाना बहुत ही टेस्टी बना था। अगली सुबह हम देखते हैं पूर्णई हलवा तैयार करती है और एक टिफिन में पैक करके हलवे को स्कूल ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही उसे कीर्ति और उसके पापा अन्नमलाई मिल जाते हैं। पूर्णई उन्हें अपना हलवा टेस्ट करवाती है और हलवा टेस्ट करने के बाद अन्नमलाई कहते हैं कि आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट हलवा कभी नहीं खाया। पूर्णई कहती है, मैंने इस हलवे को अपने हाथों से बनाया है और 13 साल की बच्ची ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये देखकर वो उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम आगे जाकर लाइफ में क्या करना चाहती हो, क्या तुम आगे जाकर एक बहुत बड़ी शेफ बनना चाहती हो। अब उसके बाद अन्नमलाई पूर्णई और बाकी के बच्चों को बताते हैं कि कई सारे लोग आज इस जॉब को कर रहे हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर पूर्णई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लासरूम में होती है, तभी उसका दोस्त फरहान उसके लिए एक मैगजीन लेकर आता है। उस मैगजीन में इंडिया के नंबर वन शेफ आनंद सुंदरराजन के बारे में लिखा हुआ था। पूर्णई उस आर्टिकल को पढ़ती है और उसी वक्त से पूर्णई भी आनंद की तरह इंडिया की नंबर वन शेफ बनने का सपना देखना शुरू कर देती है। उसके बाद वो घर में अपनी माँ से और कीर्ति के घर में जाकर उसके पापा अन्नमलाई से बेहतरीन तरीके से खाना बनाना सीखना शुरू कर देती है। इसी के साथ वो फरहान के घर में भी जाकर फरहान की माँ से भी खाना बनाना सीखती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, फरहान के पापा मुस्लिम है लेकिन उसकी माँ हिंदू है। खैर, अब पूर्णई को खाना बनाना सीखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन पूर्णई को भी नहीं पता था कि उसकी लाइफ में आगे जाकर कितनी मुसीबतें आने वाली थी। खैर, अब ऐसे ही वक्त बीतता है और पूर्णई बड़ी हो जाती है। एक दिन वो अपने पापा को अपने सपने के बारे में बताती है कि उसे इंडिया का नंबर वन शेफ बनना है, लेकिन इसके लिए उसके पापा मना कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम कॉर्पोरेट होटल में खाना बनाओगी तो तुम्हें मांस मछली भी पकाना होगा और ऐसी जगहों पर खड़ा रहना भी हमारे लिए पाप है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दे सकता। इस तरह से रंगराजन पूर्णई को अपना फैसला सुनाता है और उसे MBA करने का फॉर्म भरने के लिए कहता है। अब यहाँ पर पूर्णई को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो अपने पापा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब पूर्णई कीर्ति के घर आती है और वो उदास थी। तभी वहाँ पर आता है फरहान और पूर्णई के हाथ में MBA वाला फॉर्म देकर उसे कहता है कि मैं तो कैटरिंग कोर्स में ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा मैं जो चाहता हूँ वो मुझे करने देते हैं। वो पूर्णई को भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है और उससे कहता है कि
मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सारे डिटेल इस फॉर्म में भर दिए हैं। तुम सब कुछ सोच समझकर फैसला लो और आखिरी फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए। अब उसके बाद बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद आखिरकार पूर्णई शेफ बनने का ही कोर्स ज्वाइन कर लेती है और कॉलेज में अपने घर वालों से छुपकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। वो अपने घर वालों को बताती है कि वो MBA कर रही है। अब फरहान भी उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है। कॉलेज में उनका फ्रेंड ग्रुप भी बन जाता है और उसमें बहुत सारे नए लोग ऐड हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि फरहान मन ही मन पूर्णई को चाहता है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने पूर्णई के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। खैर, अब ऐसे ही एक दिन कॉलेज में डिश बनाते वक्त बारी आती है चिकन को काटने की। उसके बाद उनका टीचर शेफ सबके सामने चिकन को काटकर दिखाता है और पूर्णई को भी चिकन काटने के लिए कहता है, लेकिन पूर्णई तो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। चिकन उसके सामने आते ही वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अकेले ही सीढ़ियों पर बैठकर अपने फैसले के बारे में सोच रही थी, क्या उसने शेफ बनने का सही फैसला लिया या नहीं। और तभी वहां पर फरहान आ जाता है। पूर्णई फरहान से कहती है कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो पिछली कई जनरेशन से मंदिर के भगवान के लिए खाना बनाते हैं, इसीलिए मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगा सकती। उसके बाद फरहान उसके सामने वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक पढ़ने लगता है जो कि उसने अपने माँ से सीखे थे। इसके साथ वो कुछ और धार्मिक किताबों में लिखी हुई बातें पूर्णई को बताता है। और यहाँ पर पूर्णई को भी वेदों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो पूर्णई को समझ में आ जाता है कि हिंदू में गॉड्स को भी किसी का मीट खाने के लिए कोई एतराज नहीं था। उसके बाद पूर्णई काफी सोच विचार करती है और फाइनली पूर्णई वेजिटेरियन रहकर बिना टेस्ट किए हुए नॉनवेज बनाने के लिए सीखना शुरू कर देती है। वो कई दिनों तक मेहनत करके चिकन बनाती है, लेकिन हर बार टेस्ट में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। और आखिरकार पूर्णई को समझ में आ जाता है कि मैं इसे टेस्ट किए बिना अच्छी तरह से चिकन नहीं बना सकती। और आखिरकार वो अपने घर पर कुछ बिना बताए ही कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ चिकन खाना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसकी शेफ की पढ़ाई काफी अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन एक दिन पूर्णई के कॉलेज के किचन में पूर्णई चिकन खा रही होती है, तभी उसे ढूंढते हुए उसके पापा वहां पर आ जाते हैं और वो पूर्णई को मांस खाता हुआ देखकर शॉक रह जाते हैं। यहाँ पूर्णई को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रंगराजन को भी अपनी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। और तो और मंदिर की कमेटी को जब इस बात का पता चलता है तो वहां पर और भी बड़ा हंगामा हो जाता है। और आखिरकार मंदिर की कमेटी ये डिसाइड करती है कि रंगाराजन को मंदिर में खाना बनाने से निकाल दिया जाएगा। अब वो भगवान की सेवा अंदर रहकर नहीं बल्कि एक साधारण भक्त बनकर करेगा। रंगराजन को ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है, इसीलिए वो पूर्णई की पढ़ाई ही बंद कर देता है। उसके बाद वो पूर्णई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी तय कर देता है। और अब पूर्णई की शादी का दिन भी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी थी और अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहां पर उसके कमरे में फरहान आ जाता है। उसने ऑलरेडी पूर्णई की बैग पैक कर ली थी और वो पूर्णई से कहता है कि तुम्हारे पास बस ये आखिरी मौका है। लेकिन पूर्णई उसे कहती है कि मैं मेरे पिता के आशीर्वाद के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी बाहर मंडप से पूर्णई को बुलावा आता है और दादी उसे लेने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो तो शॉक ही रह जाती है। लेकिन उसके बाद दादी दरवाजा बंद करके पूर्णई से कहती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे ही भविष्य की जीते जागते उदाहरण मैं हूँ। मैं भी शादी से पहले नंबर वन डांसर बनना चाहती थी, लेकिन हमारे परिवार में डांस करना अलाउड नहीं था और मेरी शादी करवा दी गई। अब बेटा फैसला तुम्हें लेना है कि तुम मेरे जैसी बनोगी या फिर दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने की हिम्मत जुटाओगी। दादी की मोटिवेट करने के बाद पूर्णई अपना फैसला बदल देती है और वो फरहान के साथ अपने घर से भाग जाती है। अब उसके जाने के बाद दादी मंडप में आती है और सबके सामने कहती है कि पूर्णई यहाँ से भाग गई। रंगराजन को यह सुनकर और एक झटका लगता है और पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। वो सबसे कहता है कि आज के बाद पूर्णई मेरे लिए मर गई। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फरहान पूर्णई को लेकर चेन्नई में कीर्ति के पास पहुंच जाता है। पूर्णई छुपते छुपाते कीर्ति के रूम में रहने लगती है। अगले दिन वो पूर्णई को चेन्नई के 7-स्टार होटल रॉयल कॉलेजेस में लेकर जाती है, क्योंकि इस होटल के किचन में एक शेफ की पोस्ट खाली थी। होटल का एक आदमी उसे लेकर किचन के दरवाजे तक जाता है। तब वो किचन के अंदर देखती है तो वहां पर शेफ अश्विन खड़ा होता है। अश्विन बहुत ही घमंडी इंसान था और उसके किचन में कोई भी लेडीज काम नहीं करती थी। और जब वो पूर्णई को देखता है तो अश्विन उसे रिजेक्ट कर देता है और अपने होटल से निकल जाने के लिए कह देता है।
अब दोस्तों पुर्णई उस होटल से जा ही रही थी कि तभी वहां पर एंट्री होती है पुर्णई के आइडल की, इंडिया के नंबर वन शेफ आनंद राजन की। अपने आइडल को पहली बार इतने करीब से देखने पर पुर्णई बस उन्हें देखती ही रहती है और फिर उसके बाद चुपचाप कृति के रूम पर वापस आ जाती है। अब कृति उस रूम पर नहीं थी लेकिन तभी उस रूम की मालकिन पुर्णई को देख लेती है। पुर्णई यहाँ पर चोरी छुपे रह रही थी क्योंकि उसके पास रेंट को देने के लिए पैसे नहीं थे और वो मालकिन उसे घर से बाहर निकाल देती है और वो अपना सारा सामान लेकर रास्ते पर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद उस रूम में रहने वाली दो लड़कियां उसके पास आती है और पुर्णई से कहती है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, आज रात तुम्हें यहीं पर बितानी होगी। पुर्णई कहती है ठीक है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो पास ही में एक हॉल में चले जाते हैं, वहां पर पार्टी हो रही थी। लेकिन पुर्णई को पता नहीं था कि इस पार्टी की कैटरिंग की जिम्मेदारी होटल रॉयल कॉलेजेस की थी। पुर्णई वहां का खाना खाकर उस खाने की कमियां अपने फ्रेंड को बताने लगती है और ये बातें अश्विन सुन लेता है। अपने खाने की कमियां सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुर्णई से बहस करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं शेफ आनंद। दरअसल दोस्तों अश्विन शेफ आनंद का बेटा होता है। अश्विन आनंद से कहता है कि ये लड़की सुबह आज हमारे होटल पर आई थी जॉब लेने के लिए लेकिन मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया इसलिए पार्टी में आकर तमाशा कर रही है। ये बात सुनकर पुर्णई कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस खाने में जो कमियां हैं वही बता रही थी। फिर शेफ आनंद उसे कहते हैं कि तो तुम ही कुछ अच्छा सा खाना बना दो, और उसके बाद पुर्णई अपने काम में लग जाती है। वो बड़े ही मेहनत और प्यार से आनंद जी के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाती है। जब आनंद जी उस डिश को टेस्ट करते हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है और वो डिश उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। आनंद जी पुर्णई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और अब होना क्या था, अगले ही दिन वो अपने किचन में यानी कि 7-स्टार होटल रॉयल कॉलेजेस में पुर्णई को नौकरी दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पुर्णई को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो अपने बेड पर न्यूज देख रही थी। उसकी माँ दादी और उसके पिता उसके आसपास ही थे लेकिन उसके पिताजी ने अपनी बेटी को आज भी पूरी तरीके से माफ नहीं किया था। खैर अब पुर्णई की माँ उसे थोड़ा सा जूस पिलाती है लेकिन पुर्णई थोड़ा सा जूस पीने के बाद अपने माँ से उस जूस में बार बार शक्कर डालने के लिए कहती है लेकिन इतनी शक्कर डालने के बाद भी पुर्णई को वो जूस मीठा नहीं लग रहा था। फिर पुर्णई एक चम्मच साकर खाकर देखती है फिर भी उसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर वो भागकर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में जाती है और कई सारी चीजें टेस्ट करती है लेकिन अब पुर्णई को कोई भी स्वाद नहीं आ रहा था। उसके बाद डॉक्टर उसे कुछ स्मेल करने के लिए देते हैं और पुर्णई का स्मेल सेंस काम कर रहा था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस कंडीशन को अगोसिया कहते हैं, तुम स्मेल तो कर सकती हो लेकिन अब कोई भी चीज टेस्ट नहीं कर सकती और दुनिया में अब तक इसका कोई भी इलाज नहीं आया है। और दोस्तों ये सुनते ही पुर्णई का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसी के साथ कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि पुर्णई अपने किचन में बहुत ही प्यार से अपना काम कर रही थी और होटल के गेस्ट के लिए काफी अच्छी तरह से डिश प्रिपेयर कर लेती है। उसके हर काम से शिव आनंद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ आनंद का बेटा अश्विन पुर्णई की कामयाबी से बहुत ज्यादा जलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुर्णई से इम्प्रेस होकर एक दिन आनंद किचन में दो बड़े अनाउंसमेंट करता है। पहली अनाउंसमेंट होती है कि आज के बाद किचन में साउथ इंडियन डिशेस की पूरी जिम्मेदारी पुर्णई लेगी और दूसरी अनाउंसमेंट ये होती है कि इस बार IBC यानी कि इंडियाज बेस्ट शेफ इस कंपटीशन में हमारे किचन से पुर्णई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनकर अश्विन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत बड़ा झटका भी लगता है क्योंकि पिछले 2 सालों से अश्विन ही IBC में पार्टिसिपेट कर रहा था लेकिन वो हमेशा ही सेकेंड आता था। खैर अब शाम हो जाती है और पुर्णई भी होटल से अपने घर पर जा रही थी लेकिन तभी होटल का एक वेटर किचन में आकर पुर्णई को कहता है कि अर्जेंटली एक बड़े इम्पोर्टेंट क्लाइंट के लिए केक का ऑर्डर तैयार करना है, प्लीज आप उसे बना दीजिए। अब ना चाहते हुए भी पुर्णई केक बनाना शुरू कर देती है। हमें पता चलता है कि आज पुर्णई का बर्थडे है और तभी पुर्णई को उसके दोस्त कॉल करते हैं उसे हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। लेकिन इसी दौरान उस माइक्रोवेव में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ इसके बारे में हमें आगे बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है।
और हॉस्पिटल के बेड पर पुर्णई अपने टेस्ट जाने की वजह से बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अपने पापा से कहती है, अब आपकी इच्छा पूरी हो गई ना, जैसा आप चाहते थे अब मैं नंबर वन शेफ नहीं बन सकती, अब आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं, आप कोई भी लड़का देखकर मेरी शादी कर दीजिए। तब पुर्णई की पिताजी उसे कोई भी जवाब नहीं देते और उसके बाद पुर्णई को अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं और पुर्णई के पिता उसे आनंद जी के पास लेकर आए थे। यहाँ पर आनंद एक कल्याणी स्कूल चलाता था जहाँ पर वो लड़कियों को खाना बनाना सिखाता है। अब रंगराजन आनंद से कहता है कि मेरी बेटी बचपन से ही आपको ही अपना आइडल मानकर बड़ी हुई है और वो आपकी ही तरह देश की नंबर वन शेफ बनना चाहती है, लेकिन अब उसका टेस्ट जाने की वजह से वो नहीं बन सकती, फिर भी मैं उसे आपके पास लेकर आया हूँ, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आपको नंबर वन शेफ बनाना ही होगा। और दोस्तों पुर्णई बहुत खुश हो जाती है और अब उसका नया स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसका टेस्ट चला गया था, अब उसे कोई भी डिश को सिर्फ स्मेल करके वो कैसी बनी है ये जानना सीखना था। यहाँ पर आनंद पुर्णई की बहुत ज्यादा मदद करता है, वो पुर्णई को मोटिवेट करता है और ये भी सिखा देता है कि सिर्फ स्मेल करके कैसे डिश का स्वाद जाना जा सकता है, पुर्णई ये भी सीख जाती है। उसके बाद इधर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाने के बाद आनंद को पता चल जाता है कि किचन के माइक्रोवेव में छेड़छाड़ करके उसका ब्लास्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा अश्विन ही था। अब होटल की मीटिंग में आनंद अपने बेटे अश्विन को एक्सपोज कर देता है, लेकिन वहाँ के बोर्ड मेंबर कहते हैं कि तुम अपने बेटे को क्यों फंसा रहे हो, हम ये सारी गलती पुर्णई के ऊपर डाल देते हैं और उसे जॉब से निकाल देंगे और उसके बाद पुर्णई की जगह पर तुम्हारे बेटे को IBC में भेज देंगे, लेकिन आनंद ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होटल वाले पुर्णई को उस होटल से निकाल देते हैं, इसलिए अब आनंद भी उस होटल से रिजाइन कर देता है और वो अपने स्कूल में होता है। तभी वहाँ पर कई सारे फाइव स्टार होटल वाले आनंद को नौकरी देने के लिए आते हैं, लेकिन आनंद उस होटल का जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है जो होटल पुर्णई को अपनी तरफ से IBC में पार्टिसिपेट करने देगा। और हम देखते हैं कि फाइनली इंडियाज बेस्ट शेफ कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, पूरे देश भर के कई सारे शेफ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अश्विन और पुर्णई भी इसमें होते हैं और आखिरकार इनका कंपटीशन शुरू हो जाता है। अश्विन यहाँ पर पुर्णई को हराने के लिए हर पैंतरा आजमाता है, लेकिन हर बार पुर्णई जीत जाती है और आखिरकार वो फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। लेकिन फाइनल राउंड शुरू होने से पहले यहाँ पर अश्विन अपनी आखिरी चाल चलता है जिससे कि बिना फाइनल राउंड हुए वो खुद ही इस कॉम्पिटिशन को जीत जाए। वो मनोहर नाम के एक स्कैमर को पैसे देकर पुर्णई के पास भेजता है, मनोहर पुर्णई से हाथ मिलाता है जिसके बाद अश्विन उसकी फोटो न्यूज में वायरल कर देता है। खबर चलने लगती है कि ऐसी शेफ जो टेस्ट किए बिना ही सिर्फ देखकर छूकर और सुनकर किसी भी डिश को प्रॉपरली कॉपी कैसे कर सकती है। उसके बाद हर किसी को लगता है कि पुर्णई यहाँ पर कोई स्कैम कर रही है, हर कोई पुर्णई को कॉम्पिटिशन से बाहर करने की मांग करने लगता है और आखिरकार पुर्णई के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठती है। इंक्वायरी कमेटी के सामने पुर्णई कहती है कि एक अच्छा सा शेफ किसी भी डिश को देखते ही उसके बारे में 40% बता सकता है, उसके बाद उसे सूंघकर 20%, टच करके और फील करके और चबाने के बाद 20%, और आखिरकार कॉमन सेंस से भी वो उस डिश के बारे में 100% तक बता सकता है। मैंने यहाँ पर कोई भी स्कैम नहीं किया है और पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। अब ये सारी बातें जानकर इंक्वायरी कमेटी के मेंबर पुर्णई को क्लीन चिट दे देते हैं और उसके बाद दिन आता है फाइनल राउंड का। फाइनल राउंड के जज के रूल के मुताबिक ऑडियंस को डिश चूज करने के लिए कहा जाता है कि फाइनल में दोनों शेफ को कौन सी डिश बनाने के लिए दी जाएगी। ऑडियंस वोट के हिसाब से बिरयानी को चुना जाता है और ये देखकर फरहान मायूस हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि बिना टेस्ट किए हुए आज तक पुर्णई ने जितनी बार भी बिरयानी बनाई है उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रही है और वो थोड़ा सा डर रहा था कि आज कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर अश्विन अपनी डिश बनाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ पुर्णई वहाँ पर बैठ कर नमाज पढ़ती है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि दरअसल फरहान की माँ जो कि हिंदू है वो भी बिरयानी को टेस्ट किए बिना ही बनाती थी और जब पुर्णई ने उनसे पूछा था कि आप बिना टेस्ट किए हुए इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाती है तो उन्होंने उसे बताया था कि बिरयानी बनाने से पहले मैं भगवान को याद कर लेती हूँ और पूरे मन से प्यार से बिरयानी बनाती हूँ और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देती हूँ। अब इस विश्वास के साथ पुर्णई भी फाइनल राउंड में बिरयानी बनाना शुरू कर देती है और उसकी बिरयानी तैयार होने के बाद जजेस उसे टेस्ट करते हैं
और अपना फैसला सुनाते हैं। जजेस को दोनों की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद आती है और यहाँ पर टाई हो जाता है। उसके बाद ये तय होता है कि दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन दोनों को 5 चीजें बिना देखे टेस्ट करके पहचाननी होगी। जो सही गेस करेगा वही फाइनल राउंड में जीत जाएगा। अश्विन और पूर्णई दोनों ही टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णई उसे स्मेल करके फील करके आखिरकार सारे सवालों के जवाब सही दे देती है और पूर्णई फाइनल राउंड में जीत जाती है। उसके बाद पूर्णई जब प्राइज लेने के लिए स्टेज पर जाती है, लेकिन वहां पर वो अपने पिता को भी बुलाती है, क्योंकि पूर्णई की टेस्ट जाने के बाद जब पूर्णई अपने घर पर वापस जा रही थी तब उसके पिता ने ही उसे आनंद के पास भेजा था ताकि वो नंबर वन शेफ बन सके, और वो आज नंबर वन शेफ बन गई है और अपने पापा के साथ प्राइज को कलेक्ट करती है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।